आपको पता है मैं कभी कोई खिलौना मांगती हूँ तो बाबा पहले तो मना कर देते हैं, पर दो दिन बाद खुद ही लेकर आते हैं। अब अच्छा थोड़ा ही लगता है कि बच्चों को तिल्ली जितनी बात के लिए भी मना करना पड़े। पर क्या करें, हम तो रोज कर्ज लेकर रोज कमा कर रोज खाने वाले लोगों में से हैं। दो महीने से पैसे चुकाए नहीं तूने, चल घर खाली कर। इस बार तो पैसे लिए बिना जाने वाला नहीं मैं। ऐसे में हम क्या करें आप ही बताइए। आखिर हमें भी समाज में रहना है, उसकी टोपी उसके सर। पैसे कमा कमा कर हम किसको दें, घर वालों को या ब्याज वालों को? अगर बैंक से पैसे मिल जाते तो क्या? बैंक? हाँ हाँ, जैसे बैंक तो हमें देखते ही कहेगी, अरे साहब आइए बैठिए, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। बिना गारंटी क्यों देगी बैंक हमें लोन? सपने, इधर हाथ से नहीं वाला मुंह तक पहुंच जाए, यही एक सपना है भैया। हाँ नहीं, मेरा एक सपना है कि मैं इस सड़क से दुकान तक पहुंचूं। मेरी दुकान के सिर पर कर्जा ना रहे, मैं अपने ब्यूटी पार्लर को और अपग्रेड करूं। मैं सिर्फ काम की फिक्र करूं, पैसों की नहीं। मेरा सपना है मुझे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पर बाबा कहते हैं कि सपने तो सपने होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनुज बसंत कम्युनिकेशंस। Before I start, I would like to thank you all for all the love and support you have shown us for this channel. Of late, we have been receiving a lot of emails from you guys where you all want me to speak about Pradhan Mantri Mudra Bank Yojana. So here I am with the video which tells you everything about Pradhan Mantri Mudra Bank Yojana. देश में पहली बार माइक्रो फाइनेंस के ढांचे को जड़ से बदलने के लिए उठाया गया है एक साहसिक कदम जिसका नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा, पूंजी सफलता की कुंजी। एक भरोसा देशवासियों को कि देश आप पर पूरा भरोसा करता है। मुद्रा की शुरुआत होगी सिडबी के जरिए। सिडबी पिछले 25 सालों से देश में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फंड करती आई है, जिसके साथ और अनुभव को लेकर मुद्रा पहुंचेगी अति लघु इकाइयों तक। गरीबी के खिलाफ इस महाअभियान में मुद्रा के साथ शामिल होंगे देश के माइक्रो फाइनेंसर्स, यानी कि MFIs, SHGs, सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनीज, लास्ट माइल फाइनेंसर्स, स्टेट लेवल और रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर्स। मुद्रा इन मध्यस्थ स्थानों के जरिए अलग अलग विस्तारों में जाकर हमारी छोटी इकाइयों के नाम, काम और जरूरतों को पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। मुद्रा इन मध्यस्थ संस्थानों को कम दरों पर पैसा देगी ताकि वे लोगों को भी कम ब्याज दरों पर लोन्स दे सकें। इस ढांचे के अनुसार मुद्रा 50,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन्स देगी, तीन अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत। बहुत ही छोटे स्तर के इकाइयों के लिए 50,000 तक की लोन दी जाएगी, उनसे थोड़े बड़े स्तर के लिए 50,000 से 5 लाख तक की लोन दी जाएगी, और लगभग उनसे भी बड़े स्तर वाली इकाइयों के लिए 5 से 10 लाख तक की लोन दी जाएगी। मान लीजिए ये देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पिरामिड है, जिसमें हर कोई मेहनत करके और ऊपर के लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है। इस स्तर तक तो उनके साथ हर कोई होता है, समाज, बैंक्स, जानकारी, सुविधाएं, पर इस आखिरी स्तर में जो लोग हैं उनके साथ कोई नहीं होता, न समाज, न बैंक्स, न जानकारी, न कोई सुविधाएं। इस हिस्से में 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लघु इकाइयां हैं, यानी कि छोटे उद्योगकार, व्यापारी, सब्जी वाले, रिपेयर काम करने वाले, वाहन चालक, गृह उद्योग चलाने वाले और सड़क पर ठेला लगाकर सामान बेचने वाले लोग। ये अपनी पाई पाई के लिए साहूकारों के महंगे ऋण पर निर्भर रहते हैं,
जिसके लिए वे 24 से 36 प्रतिशत जितने ऊंचे ब्याज दर पर लगभग रोजाना पैसे उधार लेते हैं। वैसे तो लघु स्तर पर भी तो बहुत सारी बैंक्स हैं, पर ये बैंक्स उन पर न तो भरोसा करती हैं, न ही उन्हें लोन देती हैं। तो क्या गरीब हमेशा के लिए गरीब ही रहेगा? काम बड़ा मुश्किल था, पर अब नहीं तो कब? अब पहली बार सरकार ने किया उन पर भरोसा जिनके पास मेहनत और विश्वास के सिवाय और कोई पूंजी नहीं है, और पूंजी ही तो है उनकी सफलता की कुंजी। चलिए, एक बार लोन मिल भी गई, पर धंधा तो आखिर धंधा होता है। किसी भी वक्त किसी भी वजह से खड़े खड़े 5-10-15 हजार की जरूरत पड़ सकती है। तब क्या हमारे श्रमिक वापस वहीं जाएंगे साहूकारों के पास? नहीं, ऐसी बिन बादल बरसातों के लिए ही आने वाले दिनों में दिया जाएगा मुद्रा कार्ड। कभी भी कोई भी आपात स्थिति में आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रा अपने आप में ही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा गरीब श्रमिकों के आर्थिक सुराज के लिए, जिसे पाने के लिए सरकार ने अपनी सरकारी मर्यादाओं से ऊपर बनाई एक नई आर्थिक व्यवस्था, जिसका मकसद है पढ़े लिखे युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को और उनके सपनों को फंड करना। आई होप दिस वीडियो विल सर्व द पर्पस एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब our YouTube channel for the latest updates. So till we meet next, enjoy and stay blessed. Thank you.